हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दिल से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो पर। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि APY को कैसे क्लोज करते हैं। APY को दूसरा नाम अटल पेंशन योजना है। वैसे ये बहुत ही बढ़िया योजना है और उस योजना को कैसे बंद करना है, तो आप किसी कारणवश बंद कर रहे हैं तो आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में चले जाएंगे। गूगल में चले जाने के बाद APY क्लोजिंग फॉर्म आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं ये सबसे पहला लिंक आ गया है। तो सबसे पहले लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो गाइज ये आपका ये PDF ओपन हो गया अटल पेंशन योजना का क्लोजर फॉर्म। तो क्लोजर फॉर्म में आपका ये जो ब्रांच है, ब्रांच अगर सिटकुल ब्रांच है तो सिटकुल डालेंगे, अगर आपका बड़ौदा बैंक है, बड़ौदा मतलब ब्रांच है बड़ौदा डालेंगे, या आपका रुद्रपुर ब्रांच है तो रुद्रपुर डालेंगे। तो फिर वहाँ पे इसके बाद PRN क्या होता है, वो कहाँ से निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल में चले जाना है और एक आपको अटल पेंशन योजना ये सर्च कर लेना है। आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे जो पहला लिंक है आपको सबसे पहले लिंक में चले जाना है। चले जाने के बाद आपको APY EPRN नंबर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे चले जाएंगे। मैं जहाँ पे माउस लेके गया हूँ अभी, यहाँ पे अगर PRN पता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका PRN नंबर। अगर है तो आप चेक कर सकते हैं, आपका अटल पेंशन योजना अगर चल रहा है तो वो भी चेक कर सकते हैं। नहीं पता है तो आप यहाँ पे चले जाएंगे क्लिक टू सर्च विदाउट PRN। तो यहाँ पे नेम ऑफ सब्सक्राइबर, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे जो अकाउंट बेनिफिशियरी नेम है, एकदम सेम टू सेम आपको पासबुक का जैसा ही डालना है। तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है और थर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब यहाँ पे डालने के बाद जाके यहाँ पे सबसे पहले ये व्यूज फॉर सब्सक्राइबर, यहाँ पे APY और EPRN एंड मास्टर डिटेल्स व्यू करना है। मास्टर डिटेल करने के बाद ये कैप्चा आ रहा है, कैप्चा ऐसे प्लस वाला, तो 14+1, तो 14+1 में यहाँ पे 15 आ गया। 15 आने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे पूरा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका PRN नंबर क्या है। तो PRN आपको सीधा यहाँ पे चले जाएंगे, आपको वही फॉर्म में चले जाना है। वो फॉर्म यहाँ पे ये PRN देख सकते हैं कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 डिजिट का PRN नंबर है। तो उसके बाद आपका रीज़न ऑफ क्लोजर, तो उसमें रीज़न आपको डालना पड़ेगा, नॉट एबल टू पे कंट्रीब्यूशन और रिक्वायर फंड अर्जेंटली, मतलब कि आपको फंड की ज़रूरत है, यादर है, आपको परेशानी हो रहा है उसमें, आपको नहीं रखना है, आप बड़ा स्कीम रख मतलब कि बड़ा कोई योजना में जाना चाहते हैं तो इस वजह से क्लोज कर रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे, आई एम क्लोजिंग फॉर अनदर स्कीम। तो वहाँ पे डेट और सिग्नेचर यहाँ पे आप कर देंगे, मतलब डेट के साथ में अपना, अगर अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगा सकते हैं, अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में आपका यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे PRN नंबर डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और सेम यहीं पे आपका जैसे जैसे लिखा है नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच नेम और रिसीविंग ऑफिसर नेम, ये सब ये वो बैंक वालों का काम है, ये आपका काम नहीं है, आपका सिर्फ यहाँ पे थंब इम्प्रेशन तक का ही काम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं कोई भी नया अपडेट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। मैं मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।